So good morning friends, welcome to PT classes. Today a very important session for all those who are preparing for banking sector. और आज के जो हमारे questions हैं students बहुत unique है, different है. तो hope आज के नए questions के साथ आप बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा. तो my team is ready? Yes sir. Okay Nisha, since I am bound to ask you certain hard and tough questions from you. Yes. So मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा collateral security क्या होते हैं? कोलेट्रल सिक्योरिटी सर, जब बैंक कस्टमर को लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं तो वो अपने लोन्स के बदले में एक सिक्योरिटी, लोन की सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं. right. तो सर एक जैसे कि सर कार का लोन लिया है तो okay. उसके बदले में वो कार को ही कोलेट्रल सिक्योरिटीज नहीं बता सकता. okay. वो जैसे सर मकान के कागज हुए या फिर कुछ और गोल्ड की सिक्योरिटीज वो रखवाता है तो उसे कोलेट्रल सिक्योरिटीज बोलते हैं. ओके okay, ये प्राइमरी सिक्योरिटी से डिफरेंट कैसे होती है? सर प्राइमरी सिक्योरिटीज में जब लोन दिए जाते हैं जिस पर्पज के लिए कस्टमर लोन ले रहा है उससे जो एसेट परचेज कर रहा है वो ही सर प्राइमरी सिक्योरिटीज होती है. जैसे कि सर कोई कार के पर्पज के लिए उसने लोन लिया है तो जो कार है उसी को ही सर प्राइमरी सिक्योरिटी बोलेंगे. ओके okay. मैं जानना चाहता हूँ आपसे DICGC ये क्या होता है? सर ये RBI की एक सब्सिडरी है. इसकी फुल फॉर्म है सर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट एंड कॉरपोरेशन गारंटी. ओके इसके अंदर क्या होता है? सर ये एक RBI की सब्सिडरी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है. okay. बैंक से रिलेट करके इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है. ओके क्योंकि रिसेंटली लास्ट फ्यू डेज बैक वन ऑफ माय स्टूडेंट गॉट आस्क्ड इन वन बैंक RRB दैट व्हाट इज DICGC दैट्स आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू. ओके मुझे आप बताइए Basel III के बारे में बताइए. Basel III सर एक स्टैंडर्ड है जो बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा लाया गया था 2010-11 में. सर ये मेनली बैंकों की इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जाए क्योंकि सर आजकल बैंक लोन्स प्रोवाइड करवा देते हैं, गलत लोन प्रोवाइड करवा देते हैं जिससे सर बैंक दिवालिया ना हो जाए और जो कस्टमर है उनको कुछ नुकसान ना हो. इसलिए सर ये जो कमेटी है ये एक सर कुछ रेगुलेशंस बनाती है. right. जिससे बैंक की इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है बैंक को, कैसे लोन प्रोवाइड करवाने हैं, वो सब रूल्स सर इसके अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं. वेरी गुड. आपने भी बोला कि सर बैंक गलत लोन ना प्रोवाइड कर दे तो अभी रिसेंट में एक न्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ध्यान से सुनना, कि एक रिसेंट न्यूज है एक बैंक का जो फ्रॉड हुआ है जिसे फ्रॉड किया है यानी कि लोन वगैरह देकर, तो कुछ हाईलाइट कर सकती है उसके बारे में? यस सर, अभी एक PMC बैंक है पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक सर, उसके द्वारा सर ये फ्रॉड किया गया है. उसने लोन प्रोवाइड करवा दिए थे और RBI को इसके इंफॉर्मेशन नहीं दी थी जिस वजह से सर जो जिनके अकाउंट थे बैंक में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई. ऑब्वियस राइट राइट वंडरफुल. चलिए मुझे बताइए आप कि नाबार्ड से आप क्या समझते हैं? नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सर, इसकी जो एस्टेब्लिश्ड है ये 12 जुलाई 1982 को किया गया था. okay. इसके जो चेयरमैन है सर वो हर्ष कुमार भावला है एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है. सर ये नाबार्ड सर डायरेक्ट कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड नहीं करवाता, ये बैंक्स को लोन्स देता है जैसे कि सर RRB हो गया उनको. और सर ये रूरल मेनली सर रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए रूरल एरियाज में सर जहाँ बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है वहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में सर और नई नई स्कीम्स प्रोवाइड करवाना भी नाबार्ड के अंडर में ही आता है. वेरी गुड, गुड नॉलेज यू आर हैविंग. चलिए मुझे बताइए कि लोन और एडवांसेज ये क्या होते हैं? सर लोन एक क्रेडिट कस्टमर को क्रेडिट प्रोवाइड करवाना ही है एंड सर एडवांस भी क्रेडिट ही प्रोवाइड करवाता है बट जो लोन है वो सर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए होते हैं एंड जो एडवांसेस है वो ओनली शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए होते हैं. okay. जो लोन है सर उसमें शॉर्ट टर्म लोन है वो 1 ईयर के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन है वो सर 1 ईयर से ज़्यादा के लिए प्रोवाइड करवाते हैं. और जो एडवांसेस है सर उसके एग्जाम्पल लाइक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज. और लोन्स में एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट्स बांध दी जाती है राइट yes, जो पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपको पे करनी होती है. एडवांसेस के अंदर आप कभी भी किसी भी समय पैसा देकर वापस भी निकलवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो एडवांस है यानी कि आपने पैसा जब मन किया आपके पास आ गया आपने वापस दे दिया, जब मन किया आप फिर से ले सकते हो. RDCC आपने जो एग्जाम्पल दिया yes, तो आपने अभी भी वर्ड यूज किए RD और CC, तो ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं आपको मालूम है. करंट अकाउंट का व्यक्ति इनको अवेल कर सकता है बिजनेस पर्पज के लिए. क्या डिफरेंस क्या है इसमें दोनों में? अलग अलग चीज कुछ तो होगी इनके अंदर, बाकी चीजें तो इनके अंदर ऑलमोस्ट कॉमन है yes. मगर एक मेजर डिफरेंस क्या है? ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक है कि आपको स्टॉक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है कैश क्रेडिट में, ओवरड्राफ्ट में आपको वो भी नहीं दिखानी पड़ती. ओके वेरी गुड.
चलिए अब आप मुझे बताइए कि लोन अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट ये क्या होता है? सर जो एफडी अकाउंट होते हैं उनके अगेंस्ट जो लोन लिया जाता है सर उसे ही लोन अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट बोला जाता है। ओके, बेसल सुना आपने वर्ड? यस। क्या होता है सर? बेसल एक स्टैंडर्ड है जो एक कमेटी है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, उसके द्वारा सर ये लाया गया था। बैंकों को मेनली रूल्स प्रोवाइड करवाए गए थे कि कैसे कैपिटल को कंट्रोल किया जाए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैसे कंट्रोल किया जाए, ताकि जो बैंक है वो इंसॉल्वेंस हो रहे हैं उससे उनको बचाया जा सके। वेरी गुड। SLR से आप क्या समझती हो? SLR सर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सर ये एक वो अमाउंट है जो बैंक RBI के पास रिजर्व रखते हैं, जिससे जैसे सर बैंक में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है तो RBI कुछ पार्ट बैंक के अमाउंट का कुछ पार्ट अपने पास रिजर्व रखते हैं। और SLR क्यों मेंटेन की जाती है दोबारा बताइए? SLR ताकि बैंक दिवालिया घोषित ना हो, क्रेडिट्स कम हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, इसलिए SLR रखी जाती है। ओके, चलिए मैं आपके पास, मेरे पास अभी कुछ क्वेश्चंस है, उससे पहले मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँ। आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताइए प्लीज। सर मेरी स्ट्रेंथ्स, आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल। सर मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है। सर मुझे कोई भी टास्क मिलता है तो सर मैं उसको एज ए चैलेंज लेती हूँ और उसको कंप्लीट करने के लिए अपना 100% देती हूँ। ओके, आप आपका जो एजुकेशन है वो डेयरी टेक्नोलॉजी है? यस सर। और डेयरी टेक्नोलॉजी के बाद आपने डेयरी कंपनी में काम भी किया 2 साल का? Yes. तो आपकी एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस हमारे क्या काम आएगा? सर मेरी जो एजुकेशन है वो सर एक टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ में प्रोफेशनल नॉलेज भी प्रोवाइड करवाती है। ओके सर, मैं अपनी एजुकेशन का यूज करके बैंक में, टेक्निकल नॉलेज का तो बहुत ज़्यादा यूज होता है बैंक का, एंड सर जो प्रोफेशनल नॉलेज है सर कैसे मुझे एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करना है, कैसे सर जो फार्मर्स आएंगे एंड जो अदर सर कस्टमर। आप ऑलरेडी उससे यूज्ड टू है? यस सर। वेरी गुड। और सर जो मेरा जॉब एक्सपीरियंस है सर वो भी बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि सर मुझे ग्रुप में एंड इंडिविजुअली दोनों काम करने का एक्सपीरियंस है। right. तो सर मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगी। ओके, मोर ओवर यू कैन स्टिल आई एम एमिएबल, वर्सेटाइल, तो कुछ ऐसे हार्डलाइंस होनी चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करती है। और ऑलरेडी आप बाहर रहे हुए हो तो इस बात का भी कुछ भी नहीं, होम सिकनेस वगैरह आपको बिल्कुल नहीं है। राइट। चलिए मुझे आप बताइए कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? सर अकाउंट्स 4 टाइप्स के होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ओके, जो सेविंग अकाउंट है वो करंट अकाउंट से डिफरेंट कैसे होता है? सर सेविंग अकाउंट के अंदर सेविंग अकाउंट सर मतलब कोई भी खुलवा सकता, सकता है। बिल्कुल। और सर इसके अंदर एक बाउंडेशन होती है कि आप इतने टाइम में ही लोन ले सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं। और जो सर करंट अकाउंट होता है वो सर बिजनेसमैन के लिए होता है, वो उसमें सर कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आप कभी भी डिपॉजिट करवा सकते हो एंड और करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, अपितु आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे कुछ चार्ज जरूर देना पड़ता है। राइट। चलिए आप जानते हैं कि बैंक जो है वो अपनी अर्निंग कैसे करता है, बताइए बैंक पैसा कैसे कमाता है? सर बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन्स प्रोवाइड करवाता है। वेरी गुड। तो लोन्स के द्वारा वो अपनी अर्निंग को। चलिए अब मैं आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, शायद हमारे सभी स्टूडेंट्स के काम आए। बैंक से आप क्या समझते हो? सर बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सर ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एंड लोन्स प्रोवाइड करवाता है, और सर इसके अलावा ये बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है, जैसे सर क्रेडिट फैसिलिटी, डिपॉजिट, नेट बैंकिंग, लॉकर फैसिलिटीज, और सर बहुत सारी स्कीम्स भी प्रोवाइड करवाता है जो सर एक मिडिल फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सर इसके बारे में अवेयरनेस कम है और सर ये स्कीम से वो खुद में बहुत ज़्यादा सर चेंजेस ला सकते हैं। वेरी गुड। अब मैं आपके जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे करीबन 2 स्टूडेंट से तो अभी तक पूछ लिया गया RRB में। yes, पर उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपको PD क्लासेस पे 3 डेज कवर हो गई है। yes, तो ये 3 डेज आपको कैसा फील हुआ? सर 3 डेज सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा जो सर कॉन्फिडेंस लेवल है सर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज। होल डे आप स्टडी करती हो तो फेड अप नहीं हो जाती? नो सर, बिल्कुल भी नहीं, पता ही नहीं चलता सर कैसे टाइम चला जाता है। ओके, तो बहुत से बच्चों में डिलेमा रहता है सर 7 दिन में हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या वाकई में चेंजेस आएगा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगी?
मैं सर यही बोलना चाहूंगी कि मेरे में सर इतने चेंजेस आ सकते हैं, तो सर हर किसी में भी आ सकते हैं। आप रावला से बिलोंग करती है, राइट? तो जब आप रावला में थी तो आपको यहाँ के बारे में कैसे नोटिस हुआ आपको? सर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी। फिर आपका कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हुआ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए? क्योंकि सर मैं जैसे स्टूडेंट्स को देखती थी कि वो कैसे अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसे उनमें बोलने का कॉन्फिडेंस कितना है, वो कैसे खुद को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब आपने टेलीफोन कोर्स वाले स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया तो उनमें कॉन्फिडेंस देखा? यस सर, उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था मैंने देखा। ओके, तो हम स्टूडेंट्स से भी कवर अप करना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स वी आर कॉलिंग हियर पीपल फॉर 7 days, नो डाउट। अदर देन दैट जो बच्चे नहीं आ सकते, दे आर अवेलिंग टेलीफोन कोर्सेज, वो भी बहुत ही अच्छा होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन से 10 गुना ज्यादा अच्छा होता है। जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई टेलीफोन पे कैसे डेवलप हो सकते हो, तो हमने जो इंटरव्यूज लिए या हमारे कैंडिडेट ने जो इंटरव्यू लिए, देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द रूम पर्सनालिटीज। और जब वो सेलेक्ट होते हैं, अभी एलआईसी रेडियो का रिजल्ट आया, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हम आपको इंटरव्यू दिखाते थे, सो मेनी ऑफ देम गेट सेलेक्टेड। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि टेलीफोन वाले स्टूडेंट्स जो बिहार से वाराणसी, शायद हम उनसे कभी नहीं मिले, अंकित से नहीं मिले, इवन रतन से नहीं मिले, ये स्टूडेंट जब सेलेक्ट होकर हमें मैसेज करते हैं, हमसे बात करते हैं, तो कितना अच्छा फील होता है आप सोच भी नहीं सकते। तो टेलीफोन प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर डे टू डे लाइफ, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि स्टूडेंट हमारे पास आए, हम फूड एकोमोडेशन सब अरेंज करवाते हैं, तो यू कैन अवेल मोर बेनिफिट्स। आपका फूड एकोमोडेशन कैसा लगा आपको? सेट है सब यहाँ पर? यस सर। ओके, और आपको यहाँ पर फ्रेंड सर्कल कैसा मिला? सर बहुत अच्छा मिला मुझे फ्रेंड सर्कल, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके, चलिए अब मैं आपसे बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करें इस टॉपिक को, ताकि हमारे उन स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिले जो नहीं आ सकते। बैंक मर्जर से आप क्या समझते हैं? बैंक मर्जर सर, बैंक का सर नेशनलाइजेशन से ही मीनिंग है। सर इसमें सर जो गवर्नमेंट का है वो 50% से ज़्यादा होल्डिंग होती है सर इसमें। और सर ये 2 बार किया गया था नेशनलाइजेशन, एक बार तो सर 19 जुलाई 1969 में किया गया था, इसमें सर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और सर एक 15 अगस्त 1980 में किया गया था। सर इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, राइट? और सर अभी रिसेंटली भी मर्जिंग हुई है, बट अभी वो उनकी ऑपरेशनल वर्किंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है, वो अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगी। सर अभी रिसेंटली सर जो मर्जिंग की गई है वो कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक की। कैनरा एंड सिंडिकेट, ओके। और एंड सर इंडियन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक, ओके। एंड सर पीएनबी बैंक, ओबीसी बैंक एंड यूनाइटेड बैंक, ओके। एंड सर लास्ट वन इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक। ये जो मर्जर है एनपी इनका मेजर रीजन है? यस सर। ओके, सो आपको लगता है कि जो एनपीए है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है? Yes. कुछ नाम इनके? स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस, राइट? तो अल्टीमेटली 90 डेज के अंदर अंदर ये एनपीए घोषित हो जाता है, राइट? Yes. इस पर एक एक्ट लागू होता है, उसका नाम क्या होता है? सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए हमने आपसे जो भी क्वेश्चंस पुट अप किया आपने बहुत अच्छे से बताया, अब हम चाहते हैं एक बहुत अच्छा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि हमें आपके बारे में और कुछ मालूम चले। कंप्लीट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम निशा है सर, मैं अपने नाम के सिमिलर ही हूँ, मैं एक ऑप्टिमिस्टिक गर्ल हूँ। बेसिकली सर मैं श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, जिसे फूड बास्केट ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। एंड सर मेरी जो ग्रेजुएशन है वो बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर से हुई है। एंड सर मुझे जॉब एक्सपीरियंस भी है मोदी डेयरी बीकानेर का। सर मैंने वहाँ पर एज ए क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव वर्क किया था। सर मैं एक टीम स्प्रिट गर्ल हूँ, सारा क्रेडिट मुझे खुद को लेना अच्छा नहीं लगता। एंड सर रिगार्डिंग माय हॉबीज, आई लाइक टू इंटरेक्टिंग विद न्यू पर्सनालिटीज एंड लर्निंग फ्रॉम देम। एंड सर आई आल्सो लाइक टू वॉचिंग मोटिवेशनल स्टफ्स। एंड सर रिगार्डिंग माय स्ट्रेंथ, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल। एंड सर आई आल्सो लाइक टू टेक चैलेंजेस। थैंक यू सो मच। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए हमें। यस सर, सर मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं, माय फादर, मदर एंड 1 एल्डर ब्रदर। माय फादर इज शॉपकीपर, माय मदर इज हाउसवाइफ एंड माय ब्रदर इज कोऑपरेटिंग विद माय फादर। ओके, आपने अपनी 10th स्टैंडर्ड कहाँ से किया? सर मैंने रावला से किया 10th स्टैंडर्ड। और 12th स्टैंडर्ड आपने? गढ़साना से सर। ओके, और आपने अपनी ग्रेजुएशन उदयपुर? यस सर। ओके, उसके बाद आपको लगा कि मुझे जॉब करनी चाहिए? यस सर। अब प्राइवेट जॉब से आप गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि प्राइवेट जॉब में स्कोप नहीं है या प्राइवेट जॉब अच्छी नहीं होती, इस वजह से आप चेंज कर रहे हो, या कोई और रीजन है? सर
प्राइवेट जॉब अच्छी होती है बट एक सिक्योरिटी होती है सर, वो सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में सर सिक्योरिटी है कि मतलब आप सेफ हो, कि आपको ये वर्क है तो आप इसमें सेफ हो। बट इट इज गुड दैट यू आर अवेलिंग गुड बैंक, आरआरबी बैंक बहुत अच्छे बैंक है, राइट right? पर आप जानते हैं यहाँ पर आपको रूरल लोगों से डील करना होगा। yes. तो आप अभी तक शहर में रही है, हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल अप टू 12th स्टैंडर्ड गांव की थी, मगर उसके बाद आप शहरी गर्ल बन गई जब आप उदयपुर जैसे सिटी में रहे। तो आपसे कॉप अप हो जाएगा इजीली? यस सर, इजीली कॉप अप हो जाएगा क्योंकि सर मैं पहले गांव में रही हूँ, उसके बाद में वहाँ उदयपुर गई। सर मेरी ट्रेनिंग है वो गुजरात से भी हुई है, उसके बाद में सर जब मैंने जॉब की तो बीकानेर गई सर, वहाँ पे मतलब मुझे फार्मर से भी मिलना, उनसे उनके साथ इंटरेक्ट करना, तो सर मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। गुजरात में आपने कहाँ ट्रेनिंग की थी? सर मैंने पालनपुर में बनासकांठा डेयरी में ट्रेनिंग की। कितने दिन की आपकी ट्रेनिंग थी? 6 मंथ की। सिक्स मंथ्स ट्रेनिंग, तो आपने गुजरात तो घूमे ही होंगे आप। yes, कहाँ कहाँ घूमे आप, कौन कौन सी जगह गए थे? गुजरात में सर मेहसाना एंड सर माउंट आबू और भी सर बहुत सारी जगह। नियरेस्ट टू गुजरात बॉर्डर पे होगा वो राजस्थान में। यस सर। ओके ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन से हमारे उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा जो नहीं पहुंच पाते, और ये क्वेश्चंस जो आपने टफ किए ये मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ लिए गए हैं, तो हमें दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? सो आई होप स्टूडेंट्स कि हमें बेस्ट विशेस देना चाहिए कि इनका सिलेक्शन जरूर हो, और स्केल टू के लिए आप जा रहे हैं। यस सो आप अच्छे से जानते हैं कि स्केल टू के लिए आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है ऑल इंडिया। तो कैसे कॉप अप करोगे, वहाँ रहना खाना कैसे अरेंज करोगे? सर क्योंकि सर मेरी एजुकेशन है वो भी सर आउटसाइड से हुई है, उदयपुर से हुई है सर, मैं गुजरात भी गई हुई हूँ और भी सर मैंने बहुत सारी नैनीताल भी गई हुई हूँ सर, शिमला कुफरी बहुत सारी जगह पे सर, अगर मैं हर जगह पे खुद को एडजस्ट कर सकती हूँ तो मुझे नहीं लगता। और सर मेरा नेचर भी है कि मैं वर्सेटाइल नेचर की हूँ, तो मैं खुद को हर किसी एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकती हूँ। वंडरफुल वंडरफुल सर, इट्स द राइट टाइम टू गिव अ ब्लेसिंग्स, बेस्ट ऑफ लक। ओके थैंक यू।